है पुलिस। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, कुछ सुराग मिल पा रहा है, आखिरकार हमलावर कौन थे, क्यों हमला हुआ इस सूफी मौलवी पर? रुमाना, देखिए तो अब तक की जानकारी सामने आई है और हमने भी जो नासिक पुलिस से फोन पर बातचीत की है, ये जानकारी समझ में आ रही है कि ये जो नागरिक अफगान थे, ये 4 साल पहले भारत आए थे। पहले ये कर्नाटक में रहते थे और कुछ वर्षों पहले ही वो नासिक में आकर रहने लगे। दरअसल ये पैसे से काफी अफगान है, पैसे वाले हैं और वो यहाँ नासिक में संपत्ति प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, और चूंकि वो अफगानी नागरिक है तो यहाँ संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, तो जो भारतीय नागरिक है उनके नाम पर वो संपत्ति ले रहे थे, और इसी प्रॉपर्टी और पैसे के लेन देन में ये कोई विवाद हुआ जिसके चलते ये हत्या की गई, ऐसा अब तक की पुलिस की जांच में निकल कर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि पुलिस को सफलता मिली, एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और उसी से ये कुछ जानकारी निकल कर आ रही है कि ये प्रॉपर्टी का मामला है। ये अफगानी नागरिक नासिक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता था, संपत्ति खरीदना चाहता था और ड्राइवर फरार बताया जा रहा है, 3 लोग हैं, ड्राइवर फरार बताया जा रहा है, इस प्रकार की जानकारी आ रही है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और उसी की निशानदेही पर पुलिस आगे की जांच और कार्रवाई कर रही है। कुल मिलाकर ये मामला पैसा, संपत्ति और प्रॉपर्टी खरीदने और उस प्रॉपर्टी में पैसे के व्यवहार को लेकर ये आपसी मनमुटाव था, जिसको लेकर ये रबी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जी, तो ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, आप बता रहे हैं किस तरीके से पैसा, प्रॉपर्टी, संपत्ति को लेकर ये विवाद जो वजह बन सकता है सूफी की हत्या का, इस सब के बीच वो एक शख्स जिसे अभी हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से साझा की गई है, कौन है वो मृत्युंजय? जी, अभी तक उस व्यक्ति का नाम या उसकी पहचान जाहिर नहीं की गई है। ये बताया गया है कि कार में 3 लोग आए थे और जो खुद गाड़ी चला रहा था संभवतः उसने ही पहली फायरिंग की थी या उसका ही उसकी मंशा थी कि यह हत्याकांड को अंजाम दिया जाए। वही आरोपी फरार है, एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है और उसी की निशानदेही पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें लिंक मिला है कि वो व्यक्ति कौन है, लेकिन अभी चूंकि आरोपी अब तक पुलिस की पता नहीं है इसलिए और अधिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये बातें अब तक स्पष्ट हो रही है कि ये प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था। ये जो अफगानी सूफी व्यक्ति है ये 4 साल पहले कर्नाटक में थे, कर्नाटक के बाद ये नासिक में आए थे और पैसे से अफगान बताए जा रहे हैं, काफी पैसा है इनके पास में, और ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि अफगानिस्तान में हालात ऐसे नहीं है कि वहां पर वो प्रॉपर्टी ले या वहां जीवन यापन कर सके, तो इसलिए वो भारत में रहने का इरादा रख रहे थे और भारत में संपत्ति खरीदना चाहते थे।